देखो ये बात सच है कि सूरत में कुछ ज्यादा करने को है नहीं, इसलिए वी कीप गोइंग टू शॉट, बट दिस टाइम वी वर शॉक्ड। शॉट हैज कम्प्लीटली रिवैम्प्ड इट्स लुक एंड इंटीरियर्स। मतलब यू विल फील लाइक यू आर इन अ लग्जूरियस गेमिंग जोन। इट हैज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इट्स लुक एंड हैज एडेड सो मेनी न्यू गेम्स। सो सबसे पहले वी गो टू द आर्केड जोन और यहाँ से मेरी कंपेटिटिव स्पिरिट जाग जाती है। सी 90s किड्स लाइक मी विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर आर्केड गेम्स बिकॉज वी हैव ग्रोन अप प्लेइंग दीज गेम्स। ये स्पोर्ट्स बाइक देख के तो नॉस्टैल्जिया फील होने लग गया। यहाँ की वीआर गेम्स इज माय फेवरेट। इट्स वेरी हाइपर रियलिस्टिक एंड एनी गेम वेर आई हैव टू शूट द बैड गाय इज माय फेवरेट बिकॉज नॉट ओनली डज इट हेल्प इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बट मेरी शूटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है यू नो इन केस ऑफ अ ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हैपेंस। बट कहते हैं ना कुछ लोगों के साथ वक्त बिताना ही काफ़ी होता है बट शॉर्ट में टाइम स्पेंड करना मतलब डबल धमाल होता है। तो आर्केड गेम्स में खूब मस्ती करते वी वेंट टू play my favorite game the go-karting and this is the place where I get max competitive because ultimately we are all adrenaline junkies who love speed। तो बस हम यहाँ फुल इवनिंग रेस करते रहे, F1 वाली फीलिंग लेते रहे, टोक्यो ड्रिफ्टिंग करते रहे और रेसिंग करने के बाद टू कूल डाउन वी वेंट टू द जंपिंग और द बाउंसिंग जोन। यहाँ पे कुछ देर के लिए हंसी मजाक खेल कूद करने के बाद फॉर द फिनाले वी वेंट टू द बोलिंग एली जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था। द बोलिंग एली सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं प्यार हो रहा है तो कहीं हंसी छूट रही है, कोई हारने से रो रहा है, कोई सिखा रहा है या कोई अपना लक आजमा रहा है। अल्टीमेटली वी हैड अ ब्लास्ट एट शॉट। खेलते खेलते पूरा दिन कट गया, पूरा सैटरडे कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। तो डेफिनेटली चेक आउट द न्यू एंड रिवैम्प्ड शॉट विद योर फ्रेंड्स और मजे करो और धमाल करो। यहाँ बच्चे और बड़ों दोनों को मजा आएगा। टूडल।